हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 21 तारीख है, पाँचवा महीना है 2022 और 2:44 हो रहे हैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। वीडियो मुझे बनानी थी अपने पर्सनल स्टाइल पे। लोग काफ़ी पूछ रहे थे कि आप किस तरह ट्रेड करते हैं पर्सनली, तो उसको ही बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं क्रिप्टो के अंदर, बड़ी ज़बरदस्त लग रही है मुझे। अभी आपको पता है तकरीबन 4 दिन से जो है मार्केट रेंज में, ठीक है, रेंजिंग मार्केट। तो स्टेफन की मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त यहाँ अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वो है ये मैंने मार्क भी की हुई है। अभी मैंने स्टोरी लगाई है, उसके अंदर भी की है आपके सामने। स्टेफन टीदर, जिसको हम GMT टीदर भी बोलते हैं, आप स्टेफन ने लिखे GMT लिखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये $2 के आसपास यहाँ पे एक ज़बरदस्त सप्लाई है, बहुत ज़बरदस्त एरिया है, ठीक है। लेकिन एकदम सेल में नहीं घुसना, अच्छा जी, यहाँ से कुछ ना कुछ मूवमेंट हो सकती है। अगर मार्केट वॉलेटाइल नहीं रही तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ मूव इंशाल्लाह देखने को मिलेगा, ठीक है। इधर स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा, बिल्कुल भी हम रिस्क नहीं ले रहे, थोड़ा सा रिस्क है बस, ठीक है। लेकिन कन्फर्मेशन यहाँ पे देखनी है, रिजेक्शन वगैरह कोई सेल की जो कैंडल होती है वो देखनी है, ठीक है। और बाय साइड पे एक जगह है फिलहाल बस, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन है। ये यहाँ से हमने बाय किया था, अगर आप लोग मेरी स्टोरी फॉलो करते हैं तो आपको मैंने दिखा रहा, यहाँ से हमने बाय किया था पहले, यहाँ फर्स्ट पे, ये हमने बाय नहीं किया था, सिर्फ फर्स्ट पे बाय किया था, ठीक है। और अभी मार्केट इसी के रेंज में है। अभी जो एक जगह है वो सिर्फ ये है, ज़्यादा अच्छा ये एरिया नहीं है, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट जो है वो अप टू डाउन चलती है, समझ रहे हैं। अप टू डाउन क्या होता है ये मैं आपको फिर किसी दिन इंशाल्लाह समझाऊंगा कि क्रिप्टो मार्केट अप टू डाउन किस तरीके से चलती है। मतलब एक मूवमेंट होती है क्रिप्टो के अंदर, जो फॉरेक्स में होता है ना, जोन टू जोन फॉलो करती हुई चल रही होती है। लेकिन इसके अंदर क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दुनिया की हाई वॉलेटाइल मार्केट है, जब भी चलती है, अभी भी देखें कुछ पैर 1% 10% तक जाते हैं, जो इसको दुनिया की सबसे ज़्यादा हाई वॉलेटाइल मार्केट बनाते हैं। तो इसलिए अगर ये फॉरेस्ट की ऐसी जगह होती है ज़बरदस्त, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर भी लग सकता था। लेकिन यहाँ क्रिप्टो में कोई इतनी अच्छी जगह नहीं है, सप्लाई एरिया फिर भी बेहतर है। लेकिन ये एक अप टू डाउन मार्केट अगर मूव करती है तो यहाँ से हमें बाय देखने को मिल सकता है, अगर मार्केट वॉलेटाइल नहीं रही तो, वरना ये लो है ये गया, ठीक है। तो बाय साइड पे हमें नहीं देखना, ज़्यादातर मार्केट सेल पे जाती है, तो अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमें एक अच्छी सेल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। और DYDX मेरा फेवरेट है, इसमें एक मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है। हालांकि ये एरिया जो है ये टेस्टेड है ये, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, यहाँ से भी दोबारा मार्केट आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी में देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिक्विडिटी मौजूद है जो कि मार्केट को फ्यूल कर सकती है, तो इसलिए मार्केट यहाँ से भी जा सकती है। तो मैं इस एरिया को देख रहा हूँ, यहाँ पर मार्केट सेल आउट अगर वॉलेटाइल नहीं रही, फिर कह रहा हूँ वॉलेटाइल मार्केट अगर नहीं रही तो हमें यहाँ पर सेल देखने को मिल सकता है। ये एक ऊपर भी एरिया है, लेकिन ये कुछ ख़ास नहीं है, ये एरिया अच्छा है ये वाला, ये मैं मार्क कर देता हूँ। ये एरिया ज़बरदस्त दिख रहा है मुझे, ये है 2.87 के आसपास, ठीक है। ये एरिया ज़बरदस्त अच्छा है, ये जो नीचे ऑर्डर ब्लॉक है ये टेस्टेड है, और ये कुछ ज़्यादा खास एरिया भी नहीं है। बहरहाल ये एरिया फिर भी बेहतर है इससे, है तो ये भी टेस्टेड,
लेकिन इसकी जो टेस्टिंग कैंडल है वही फ्रेश एरिया बना रही है, और यहाँ पे एक छोटा सा इम्बेलेंस भी मौजूद है, और ये एरिया तो फिर है, अगर ये ब्रेक होता तो हम यहाँ से सेल आउट देख सकते हैं। तो ये हो गया DYDX का, शॉर्ट रखूँगा, ज़्यादा लंबी नहीं रख रहा वीडियो, ठीक है। अच्छा जी, ADA के अंदर बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अगर बिटकॉइन वॉलेटाइल नहीं रहता ज़्यादा, तो हमारे पास सेल एरिया भी बड़ा ज़बरदस्त है, और बाय एरिया तो कमाल है। ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ये बड़ा ज़बरदस्त एरिया, ठीक है। लिक्विडिटी भी है, फ्यूलिंग भी है, और सब कुछ यहाँ पे लिक्विडिटी दिख रही है आपको, स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ पे सेल एरिया है, ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये है 0.64 के एरिया है, और ये जो बाय एरिया है ये है 4750 के अराउंड, ठीक है। फिर कह रहा हूँ लिमिट ऑर्डर नहीं लगाना, और आप लोग, मैं लगाता हूँ लेकिन आप लोग नहीं लगा मैं अपने हिसाब से एक ट्रेडिंग करता हूँ, और अपना जो रिस्क है उसको मैनेज करते हुए चलता हूँ। मेरे लिए SL वगैरह लग जाए कोई इतने बड़ा इशू नहीं होता। आप लोग, मैंने देखा कई रोने लग जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं कहता कि आप लोग लिमिट एरिया लगाएं, और कंफर्मेशन का आप लोग वेट करें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ कंफर्मेशन मिलती है तो ही आप लोग बाय करें। बहरहाल दोनों एरिया अच्छे हैं, सेलिंग भी अच्छी है और बाय एरिया भी अच्छा है, ठीक है। मार्केट रेंज में अप टू डाउन जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ये डाउन यहाँ तक आ सकती है, या इस लो से नीचे तक आ सकती है, ठीक है। मैनेजमेंट करनी है, मनी मैनेजमेंट करनी है, अदरवाइज ऐसा लग जाएगा फिर परेशान होते फिरोगे, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि कन्फर्मेशन का वेट करो और फिर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखो, ठीक है। एरिया मैंने मार्क कर दिए बस। और अगर मेन चीज़ फिर बता रहा हूँ, बिटकॉइन अगर वॉलेटाइल नहीं हुआ, अगर वॉलेटाइल हुआ तो ये भी ब्रेक हो सकती है और ये भी ब्रेक हो सकती है। अगर नॉर्मली चला तो हमें कोई ना कोई मूवमेंट इंशाल्लाह यहाँ दिख जाएगी। मैटिक में भी एक जगह है, बड़े बल्कि बड़ी ज़बरदस्त जगह है, ज़बरदस्त जो है वो लिक्विडिटी है। सेल की, बाय की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, बाय का कोई एरिया इतना नहीं है ज़बरदस्त कोई खास जाम कर सके, लेकिन सेलिंग एरिया हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर भी है और लिक्विडिटी भी है, इम्बेलेंस कोई इतना खास नहीं है। तो यहाँ पे भी आपने लिक्विड क्या कहते हैं मनी मैनेजमेंट देखनी है, और उसके हिसाब से लेके चलना है, ठीक है। और बाय एरिया तो कोई नहीं है यहाँ पे, सेल में मुझे ये एरिया एक दिख रहा है, बल्कि इसको पूरे को मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ है, लिक्विडिटी भी टेकिंग है, ठीक है। लेकिन क्योंकि एक बड़ा एरिया ऊपर है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से सेल करना बेवकूफ़ी होगी, लेकिन अगर अग्रेसिव एंट्री मिल जाती है यहाँ पे, मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं शायद ले लूँ यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिलती है, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा, आप ही लोग यहीं देखें, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ पे लेनी है एंट्री तो कंफर्मेशन देखें, अच्छी रिजेक्शन वगैरह देखें, और स्टॉप लॉस ज़रूर रख के कर सकते हैं। यहाँ मैं शायद ले लूँ एंट्री छोटी सी, एक कोई $400-500 की ले लूँ यहाँ पे मैं छोटी सी, बिल्कुल विदाउट लेवरेज, 1x का विदाउट लेवरेज यहाँ पे ट्रेड की जा सकती है, अगर यहाँ कोई कन्फर्मेशन दिखती है तो, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास ये एरिया स्टिक है, और बाय में कोई भी नहीं है यहाँ पर, बाय ये ब्रेक होगा कुछ बन जाए तो बन जाए, फिलहाल यहाँ बाय में कुछ नहीं है, ठीक है। मैटिक, एडा, GMT और DYDX, ये मैंने आपको कुछ दिखा था, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आपको दिखा दी जाए। अल्लाह हाफिज़।